दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो कैसे आप अपने प्ले स्टोर या फिर जीमेल से अपने जीमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना, कई लोग जो नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद जो उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो सोचते क्या है कि एक नया ईमेल आईडी बना के हम उसमें फिर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए सबसे पहले जो आपको पुराना वाला ईमेल आईडी है जो उसको लॉग आउट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एक बार लॉगिन करते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो गूगल का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे गूगल, यूट्यूब, ड्राइव, जितना भी गूगल का प्रोडक्ट है, सभी में ऑटोमेटिक जो वो लॉगिन हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो है आपको करना है उसका लॉग आउट करना है। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में हम लॉग आउट कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे लॉग आउट करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान कब देर किस बात के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसको करने के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अभी जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है। बस छोटा सा सेटिंग्स है जिसको आपको करने के बाद जो है आपका फोन में जो है ईमेल आईडी लॉग आउट हो जाएगा। देखिए अभी जो है मैं जिस भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं रियलमी का यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप सैमसंग का करो या फिर शाओमी का करो, किसी ब्रांड का, ऑप्शन का नेम भले अलग हो सकता है लेकिन सेटिंग जो है सभी में सेम होता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो, आप भी कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्ले स्टोर में कि मेरा आईडी लॉगिन है कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऊपर में मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा है और ये लॉगिन है, ठीक है। अभी मैं इसको आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने फ़ोन के सेटिंग पे। यहाँ पे मैं फ़ोन के सेटिंग पे आ गया। अब यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन पे जाना है, अकाउंट्स एंड सिंक, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे जाना है। हो सकता है बहुत सारे फ़ोन पे आपको सिंक सिर्फ सिंक दिखे या बहुत सारे फ़ोन में सिर्फ अकाउंट्स दिखे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। जब इस वाले ऑप्शन पे आओगे तो नीचे आपको गूगल का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिस जहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखा रहेगा, जिस भी ईमेल आईडी से वो लॉगिन होगा वो ईमेल आईडी आपको सामने दिखेगा। तो उस वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है। अभी यहाँ पे आप जितना भी चीज़ देख रहे हो, कैलेंडर, क्रोम, कॉन्टैक्ट, जीमेल, गूगल कैलेंडर, ठीक है, जितना भी चीज़ है इन सभी चीज़ों में ये ईमेल आईडी से लॉगिन है। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जो है आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस डिलीट का ऑप्शन टच करना है और ये आपको बोल रहा है डिलीट दिस अकाउंट विल डिलीट ऑल ऑफ इट्स मैसेज, कॉन्टैक्ट एंड अदर डाटा फ्रॉम द फोन। अगर आप इसको डिलीट करते हो तो ये सारा जो चीज़ बताया मैंने ये सारा उड़ जाएगा। तो ठीक है जी, मुझे ये नहीं चाहिए, ये जब तब तक उड़ेगा जब तक इससे मैं ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होगा। फिर से जब आप इससे लॉगिन कर दोगे ये वापस आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और अभी देख सकते हैं, आर यू श्योर, यस, ओके, मैंने कर दिया। अब जो है आपका जो पैटर्न है या फिर पासवर्ड है आप उसको डाल के आप फिर से कन्फर्म कर सकते हो, हाँ आप वही हो, खुद वो कर रहे हो जो इसका ऑनर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल का ऑप्शन हट गया। अब मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पर, आपको दिखाता हूँ कि वो ऑप्शन मेरा है या फिर नहीं लॉगिन, ठीक है। मैं प्ले स्टोर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन करने को कह रहा है, मतलब मेरा जो है लॉग आउट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इन लिख रहा है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये चेकिंग इन्फॉर्मेशन करेगा और वापस से मुझे लॉग इन करने को कहेगा। तो ये था सिंपल सा स्टेप, अभी मैं आपको यहाँ फिर से लॉग इन कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना सिंपल स्टेप्स था, जो स्टेप्स मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया सेम स्टेप्स आपको ही फॉलो करना है अपने फोन में। उसके बाद जो है आप भी अपने पुराने वाले आईडी को लॉग आउट कर पाओगे और नया आईडी जो है लॉग इन कर पाओगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर सजेशन है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।